त्योहारी मौसम में केंद्र सरकार टैक्स पेयर्स को बड़ा तोहफा दे सकती है। टैक्स पेयर्स की जेब में पैसा बचने से मांग में बढ़ोतरी और आर्थिक गतिविधि तेज होने की उम्मीद से सरकार जल्द ही टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान कर सकती है। खबरों के मुताबिक सरकारी अधिकारी डायरेक्ट टैक्स कोड के प्रस्तावों के तहत पुराने इनकम टैक्स कानून को सरल और टैक्स रेट को तर्कसंगत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। डीटीसी पर गठित टास्क फोर्स ने 19 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। सूत्रों के मुताबिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 5 लाख रुपए से 10 लाख तक की आय पर टैक्स 20% से घटाकर 10% कर सकती है। इसके साथ ही 10 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर टैक्स को 30% से घटाकर 25% किया जा सकता है। शेष और सरचार्ज हटाने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि टैक्स में छूट के कुछ विकल्प खत्म भी किए जा सकते हैं। सरकार फैसला लेते वक्त डायरेक्ट टैक्स कोड पर टास्क फोर्स की सिफारिशों को ध्यान में रखेगी। सरकार आर्थिक विकास दर को रफ्तार देने के लिए आयकर में कटौती का ऐलान कर सकती है। इससे लोगों की बचत होगी तो वो ज्यादा खर्च करेंगे और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। सरकार ने इसी मकसद से पिछले महीने घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% करने का ऐलान किया था, बशर्ते कंपनियां कोई और छूट नहीं ले रही हो। ब्यूरो रिपोर्ट।